टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ साक्षी निर्माण। रूस यूक्रेन जंग, पोलैंड में गुस्साए लोगों ने रूसी राजदूत के चेहरे पर पेंट फेंका। यूक्रेन को $40 अरब की मदद देगा यूएस। पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला, 80 मीटर दूर से हुआ था अटैक। संदिग्ध कार दिखी, आतंकी हमले की आशंका। कोरोना, देश में पिछले 24 घंटे में 3205 नए मामले सामने आए। दिल्ली में 2 महीने बाद सबसे अधिक मौतें। बग्गा केस की हाईकोर्ट में सुनवाई आज, पंजाब पुलिस को डिटेन करने पर बहस। भाजपा नेता की गिरफ्तारी पर आएगा फैसला। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर शुरू, 2 नागरिक घायल। आज हार्दिक के सामने होंगे केएल राहुल। जीटी ने पहले मैच में मारी थी बाजी, विजेता प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनेगी। मेरठ में शहीदों को नमन करेंगे मुख्यमंत्री, विकास योजनाओं की देंगे सौगात। अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक, लाइट एंड साउंड शो का करेंगे उद्घाटन। सीएम के दौरे के तीसरे दिन डिप्टी सीएम आएंगे मेरठ। 12 मई को केशव मौर्य का दौरा, सरकार और संगठन के कार्यों की होगी समीक्षा। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के पास पहुंचे कई फरियादी, पुलिस प्रशासन से त्रस्त हो चुके हैं लोग। पीड़ित बेटे की हत्या के मामले में मांगा इंसाफ। सीएम योगी आज मेरठ आएंगे, 1857 की क्रांति के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, 1800 जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे। दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, चिंतन शिविर से पहले कांग्रेस ने तय किया एजेंडा। सीएम बोले चर्चा के बाद सोनिया लेंगी फैसला। पाकिस्तान में डरावने हालात, भारत भाग आया परिवार, बोले रोज बच्चियां महिलाओं को उठा ले जाने की धमकी मिलती है, परेशान हुए। यूपी की बड़ी खबरें आज, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील काम पर नहीं, समय से मुकदमों की सुनवाई ना हो पाने से है नाराज। कल फिरोजाबाद पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, शहर में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे आला अधिकारी। गेहूं खरीद की समीक्षा करेंगे उप मुख्यमंत्री। झांसी में छात्रा के किडनैप केस में फंसे बीएसपी के बुंदेलखंड प्रभारी, शादी से 3 दिन पहले छात्रा को किडनैप कर बेचने का आरोप। लाला राम झांसी चित्रकूट मंडल प्रभारी हैं। इटावा में राज्य मंत्री से बच्चे ने की मासूमियत भरी अपील, चिट्ठी देकर कहा मुझे पढ़ना है, 1 साल से स्कूल की फीस नहीं हुई जमा। मंत्री बोले जरूर करेंगे मदद। राजस्थान कांग्रेस के लिए चिंतन शिविर से पहले फजीहत, मंत्री की बेटी का रेप केस, गहलोत के विरोधी गुट ने दिल्ली पहुंचाए दस्तावेज। रेवाड़ी में स्मैक बेचने वाला गिरफ्तार, रिजांगला पार्क के पास देने पहुंचा था सप्लाई, सीआईए को देख भागने की कोशिश की। महाराणा प्रताप जयंती में लहराई तलवार, भाजपाइयों पर केस दर्ज। मेरठ में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सहित भाजपा नेताओं ने बिना अनुमति निकाली शोभा यात्रा। अमरोहा में सड़क हादसे में 5 की मौत, 6 लोग बैठे थे मोड़ पर, संभली नहीं बाइक, मरने वालों में 2 सगे भाई और 5 साल की बच्ची भी। आप देखते रहिए टुडे 24 न्यूज़।